फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने आगरा ग्वालियर रोड रोहता इंटर कॉलेज की जमीन पर महिला आवासीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज की मिली स्वीकृति की घोषणा कर अपने जन्मदिन को खास बनाया और प्रेस वार्ता कर बताया कि सरकार की मंशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को साकार करने और महिला सशक्तिकरण के लिए यह महिला आवासीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज मील का पत्थर साबित होगा। प्रसन्नता के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से मैं आगरा की जनता को विशेष रूप से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पिछले दिनों में पिछले वर्ष मिला था और उनसे मैंने आग्रह किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में आगरा जनपद के अंदर हमारी जो छात्राएं हैं बच्चियां हैं उनके लिए कोई पॉलीटेक्निक कॉलेज खुले और वो आवासीय भी हो उसमें छात्रावास भी हो ऐसा हमने प्रयास किया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हमारे प्रयास से उसको स्वीकृत ही किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगरा जनपद और आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल ये दो मंडलों के लिए ये पॉलिटेक्निक कॉलेज आवासीय छात्राओं का मंजूर किया गया था। कहीं जमीन नहीं मिल रही थी लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रोहता इंटर कॉलेज के प्रबंध तंत्र को। उन्होंने आगरा से क्योंकि हम भी चाहते थे कि ऐसे स्थान पर खुले जिससे आगरा शहर के लोगों के साथ साथ आगरा देहात मतलब पूरे आगरा जनपद को और आसपास के जनपदों को जिसका लाभ मिल सके और भौगोलिक दृष्टि से वो शहर के नजदीक हो बच्चियों का मामला है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो अच्छी जगह पे खुले। तो रोहता इंटर कॉलेज के लोगों ने लगभग 4 एकड़ भूमि प्रशासन के लिए एक तरह से ट्रांसफर की अपने विद्यालय की भूमि को जो करोड़ों रुपए की भूमि है उसको ट्रांसफर करके दिया और तब ये संभव हो पाया कि आज लगभग 20 करोड़ की लागत से आगरा जनपद को पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का आवासीय छात्रावास सहित जो दिया गया है तो वो रोहता में खुलेगा। 1 करोड़ रुपए उसके लिए जारी कर दिए गए हैं टेंडर की उसकी प्रक्रिया हो गई है और 2 वर्ष के अंदर वो कॉलेज बनके तैयार होगा और मैं समझता हूँ इससे आगरा के छात्राओं को विशेषकर हमारी बेटियों को जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वो जो नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था वो आगरा के लिए बड़ा अवसर वाला होके आया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो आगरा की बच्चियों को छात्राओं को एक बड़ा लाभ शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज से मिलेगा। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और वहीं रोहता इंटर कॉलेज के प्रबंध तंत्र को क्योंकि जिनके कारण ही ये संभव हो पाया नहीं तो शायद ये संभव नहीं हो पाता हम लोग इससे वंचित रह जाते। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम आगरा जनपद की जनता के लिए हुआ है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और इसके अलावा जैसे माननीय महेश गोयल जी यहाँ विधायक जी बैठे हैं और हेमलता जी यहाँ बैठी हैं तो जैसे अकोला में पिछले दिनों भी स्टेडियम आगरा के अंदर मंजूर हुआ मिनी स्टेडियम बन रहा है महेश गोयल साहब के क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बन रहा है 10 करोड़ की लागत से और वहीं पर राजकीय महाविद्यालय भी सैया में के अंदर बन रहा है। ऐसे फतेहपुर सीकरी में अटल जी के नाम से एक विद्यालय बन रहा है वहाँ के अंदर भी अलग अलग ITI और ये सब चीज़ें हैं तो पूरे जनपद के अंदर एक विकास के क्षेत्र में हमारी माननीय योगी जी की सरकार ने एक बड़े काम आगरा को दिए हैं तो यही मुझे आप लोगों से आज बताना था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का आगरा को मिला है 20 करोड़ की लागत से तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार और आगरा की जनता का।